हाथरस जंक्शन क्षेत्र के गांव गंगचोली की महिला पूनम पत्नी रवि को परिजनों के द्वारा 27 जुलाई को हाथरस सदर कोतवाली के पास वर्धमान हॉस्पिटल में डिलीवरी के लिए एडमिट कराया गया, जिस पर उनका आरोप है कि उनके हॉस्पिटल वालों ने 5000 रुपये में हॉस्पिटल में जमा किया है। बिना हमें बताए उन्होंने महिला को ऑपरेशन किया, जिसमें बच्चा तो सुरक्षित है लेकिन महिला की मौत हो गई। जैसे परिजनों को महिला की खबर लगी, परिजनों में आक्रोश और नर्सिंग होम के डॉक्टर पर लापरवाही के आरोप लगाए और जमकर हंगामा किया गया, तोड़फोड़ भी की गई। अस्पताल में हंगामे की जानकारी के बाद CO सिकंदर राव और कई स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और बेमुश्किल आक्रोशित लोगों को शांत भी कराया। सर उन्होंने धमकी दी, एम्बुलेंस बुलाया, खर्चा ही बताया हमको। कितना पैसा जमा करा लिया था आपसे? 5000 रुपए हमने करा था। 27 तारीख को आपने अपनी वाइफ को यहाँ एडमिट किया था? हाँ जी। ऑपरेशन रात को हुआ? नहीं, दिन में 1:30 बजे। कल या आज? 28 तारीख को। खत्म कब हुई है वो? 28 तारीख को ही हुई, रात को खत्म। रात में तो आपने लिखित में दे दी आपने यहाँ? हाँ, लिखित में नहीं दिया। लापरवाही डॉक्टर की।